डेवलपमेंट के जनरल मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जनरल मैनेजर हुमा जहीद के साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यूटीबी में। जी हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हुमा आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा हुमा, आप ये बताइए कि आप यूटीबी में आपकी क्या पोस्ट है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैं? मैं तो यूटीबी में आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज बिटवीन द यूथ चैनल एंड द व्यूअर्स, क्योंकि यूथ चैनल है तो व्यूअरशिप वगैरह पे हमारा मेन फोकस है। तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मेन ये है कि हम लोग व्यूअर्स की जो लाइकिंग डिसलाइकिंग को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन दो फेजेस पे हमारा काम होता है। प्री प्रोडक्शन पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे पूछते हैं कि वो किस किस्म के प्रोग्राम्स चाहते हैं, क्या उनकी लाइकिंग है डिसलाइकिंग है, किस तरह के वो प्रोग्राम्स अपने यूथ टीवी में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अपनी रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद प्रोग्रामिंग डायरेक्टर्स को हैंड ओवर कर देते हैं और उसके ऊपर फिर पूरा प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को वापस इस पर प्रोग्राम्स बनते हैं। और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपना काम करता है, जिसमें व्यूवर्स के व्यूज लिए जाते हैं, क्या उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग ही काम हुआ है और इनमें वो क्या अमेंडमेंट या चेंजेस और चाहते हैं। UTV yes. and customers. Yes. और ये आपके साथ कौन मौजूद है? उनके प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट मैनेजर मिस्टर अदील है। ये हमारे टीम डेवलप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आप सर। सर आपकी क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैं? आई एम प्रोग्राम डेवलपमेंट मैनेजर, मेरी इसमें ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि न्यू कंसेप्ट फॉर न्यू प्रोग्राम एंड स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट फॉर रिसर्च इन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम and give better suggestion for existing program and new programs with new theme and new concept. राइट सर, अब हम उनकी तरफ चलेंगे। अब हम रिसर्च मैनेजर मिस्टर बिलाल के साथ मौजूद हैं, उनसे देखते हैं उनकी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बिलाल आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिलाल, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आपकी इस चैनल में क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? इस वक्त जो इसका रिसर्च एंड डिवेलपमेंट का जो मेन रिसर्च है मुकम्मल, हम जो यूथ चैनल की रिसर्च करते हैं वो बेसिकली मेरे थ्रू होती है। उसमें यह है कि हम डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए, जिसमें हमारे पास रिटिंग क्वेश्चन ये होते हैं जो एजुकेशन के लिए, जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनके लिए हम रिटिंग क्वेश्चन ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम जो जहाँ पे अनएजुकेशन है, जहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन हैं, उसके लिए हम जो है इंटरव्यूज़ करते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी डिसलाइक्स पूछते हैं, लाइक्स पूछते हैं। लाइक लेबर है, उससे हम एजुकेशन के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते, इसलिए फेस टू फेस उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। तीसरा भी है कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर हम आउट ऑफ कंट्री, मीन पाकिस्तान से बाहर हम किसी मुल्क में अगर नहीं जा सकते, तो उसके लिए हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। वहाँ पे मेल क्वेश्चन ये बनाते हैं और उससे हम फॉरवर्ड करते हैं और फीडबैक उससे हासिल करते हैं। ये हमारे मेन तीन टास्क हैं। अच्छा बिलाल, आप ये बताना पसंद करेंगे कि यहाँ पे आपके मुख्तलिफ विजिटर्स आए हुए हैं, आपको विजिट कर रहे हैं, तो आपके पास क्वेश्चनिंग कैसी आपसे हो रही है? क्वेश्चनिंग इस वक्त जब अब तक हुई है, अब तो बहुत अच्छी हुई है और बहुत रिस्पांस भी बहुत अच्छा हुआ है और पॉजिटिव क्वेश्चनिंग हुई है। और यानी कि लोग आपसे कुछ सीख कर ही जा रहे हैं यहाँ से? जी बिल्कुल, लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। और जो चैनल के नाम से हमने ये एक्टिविटी की है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही है। मीडिया डेवलपमेंट हम इस आयशा से, हम उनके बारे में, उनके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछेंगे। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताना पसंद करेंगे हमें ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कुछ? जी मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी फिजिबल टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा ये कि जो हमारी व्यूअरशिप कैसे इफेक्ट हो रही है और किस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब कुछ हमारी व्यूअरशिप को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। थैंक यू आयशा, थैंक यू वेरी मच। Now we move towards creative department. Creative department में हम देखते हैं हमारे पास कौन मौजूद है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट में हमारे पास है मोहसिन रफीक, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, कैसे हैं आप? क्या अल्लाह का शुक्र। सर आप हमें बताएंगे कि आपके यहाँ पे क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मेनली हमारे डिपार्टमेंट में तीन ड्यूटीज हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जो डील कर रहे हैं ग्राफिक्स को, एनिमेशन को, उसके बाद स्टाइलिस्ट हैं जिनके अंडर वार्डरोब आ जाता है, ड्रेसिंग है, मेकअप है, उसके बाद हमारे इंटीरियर डिजाइनर है जो फर्नीचर को और सेट्स वगैरह को डील कर रहे हैं। ये मेन हमारी तीन जॉब्स हैं। आप
क्रिएटिव डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। इसके अंदर इस तरह है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमें प्रोग्राम का थीम देते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है, ये इसकी कास्ट है, उसमें हमने फिर फिजिबिलिटीज़ वगैरह बनानी होती हैं कि ये हमारी कास्ट ड्रेसिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह बना के हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को और प्रोड्यूसर्स को देते हैं, वो फिर अप्रूव हो जाए तो हम प्रोडक्शन के साथ उस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है मोहसिन, आपके यहाँ से आज आपने आपकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, बहुत से विजिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं, जो विजिटर्स आपके पास आ रहे हैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई हैं आपकी वर्किंग से? बहुत अच्छा रिस्पांस है जी, काफ़ी विजिटर्स आए हैं सुबह से, उसमें ये है कि हम काफ़ी अच्छा सेटिस्फाई किया सबको, जिस तरह के क्वेश्चन हुए हैं टफ भी हुए हैं ईजी भी हुए हैं सबको डील किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिव डिपार्टमेंट में 3 जॉब्स हैं, इसमें क्रिएटिव डिज़ाइनर आ जाते हैं जो डील करते हैं ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्पेशल इफेक्ट्स, ये आ जाते हैं। उसके बाद स्टाइलिस्ट हैं, ये डील करते हैं मेकअप में और ब्यूटिशियन इनका ड्रेस डिज़ाइनिंग में। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो डील करते हैं सेट्स में, फर्नीचर में, किस तरह का रिक्वायरमेंट्स है आपको, किस तरह का सेट चाहिए, प्रोड्यूसर वगैरह हमें ब्रीफिंग देते हैं उसके बाद हम उनको प्रोवाइड करते हैं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। नाउ नाउ वी मूव टुवर्ड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जीएम कौन है और उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? आपकी आई एम फ्रॉम यू टीवी, आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और पहले अपना डिपार्टमेंट का नाम भी प्लीज़। जी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, और इसके अंदर हम लोगों का काम ये है कि हम सारे जितना भी हमारा वर्क है इस यूथ टीवी के यूथ चैनल के लिए, उसको हम एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते हैं ताकि हम एक प्रोडक्टिव और ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें कि जो हमारे नौजवान के लिए, हमारी नस्ल के लिए, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए एक राह बने, एक उसके लिए मशरे राह बने। अब इसके जरा ये इसके साथ ऐसे होते हैं कि जब भी हमारे प्रोजेक्ट टीम बन जाती है ना, उसमें हम हर डिपार्टमेंट से बंदे एलोकेट कर दिए जाते हैं उसके अंदर, और उसके बाद जब वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें जब हमारे डिपार्टमेंट का काम आता है तो हम मेनली 2 डिपार्टमेंट से इंटरलिंक होते हैं, एक होता है टेक्निकल वाले और दूसरे होते हैं क्रिएटिव वाले। अब टेक्निकल वालों का काम ये है कि इन लोगों ने सारा सेट डिज़ाइन करना है, पीछे जो पीछे सेट लगा होगा उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, हर एक की अपनी थीम होती है, उसकी कलर स्कीम होगी, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, और अब उसको कवर करने के लिए हम टेक्निकल डिपार्टमेंट को लेके आएंगे जो उसको कवरेज देगा, ठीक है। उसकी टेक्निकल टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी उनको पता होगा, सिर्फ हम उनको गेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, हमने उनको मैनेज कर दिया, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हमने करने के लिए हमारा प्रोडक्शन मैनेजर प्रोग्रामिंग जो है उसका शेड्यूलिंग करेंगे, वो देखेंगे हमारा कौन सा स्टूडियो वेकेंट है, कौन सा कब इक्विपमेंट वेकेंट है, ठीक है, उसका वो कर लिया सारा एलोकेट करेंगे, उसके मुताबिक वो एक शेड्यूल बनाएंगे, फिर वो दे देंगे हमारे ऑपरेशन मैनेजर को, फिजान इज ऑपरेशन मैनेजर, अब इनको देंगे और ये उस सारे को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडियो सुपरवाइजर इनके साथ होंगे जो उस एक शूट के लिए या एक प्रोडक्शन के लिए उस स्टूडियो को कंट्रोल करेंगे, जिस स्टूडियो में ये जिस स्टूडियो में हिस्सा हो, इस टीम का हिस्सा होंगे, ठीक है। अब उसके बाद वो एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है, उसके बाद हमने इसकी इनिशियल एडिटिंग करनी है। अब इनिशियल एडिटिंग में हमने क्या करना है कि उसमें जो सबसे पहले हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक्स्ट्रा बीच में से आ गया है, हम उसको रिमूव करेंगे जिस तरह भी होगा। अब उसके बाद वो हमने दे देने टेक्निकल वालों के, टेक्निकल वाले उसको फर्दर एडिटिंग करेंगे, जो नॉन एडिटिंग वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो उसकी करेंगे, जिसमें प्रोड्यूसर जो हैं वो उनका साथ देंगे।